मैट्रिक्स थोड़ा देखेंगे अपन, कल का देखे होगा, फिर अपन आगे जाएंगे। कॉलम मैट्रिक्स नथिंग बट इट इज द मैट्रिक्स ऑफ दिस टाइप की 3-2-1, ऐसी मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर देखेंगे, इसका ऑर्डर क्या रहेगा, उल्टा। कितने रोज है यहाँ पे, एक रो, दो रो, तीन रो, कितने कॉलम है, एक कॉलम है। इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3/1। तो कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या हुई, अ मैट्रिक्स कंटेनिंग ओनली वन कॉलम और ओनली वन कॉलम, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉलम मैट्रिक्स इज देयर। ओके, अ मैट्रिक्स कंटेनिंग ओनली वन कॉलम और सिंगल कॉलम, ऐसा आना चाहिए, इज कॉल्ड एज अ कॉलम मैट्रिक्स। देन थर्ड बिट दैट इज टाइप इज नथिंग बट इट इज अवर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। So the definition of rectangular matrix is very clear. Rectangular matrix को हम compact form में बोलेंगे ना, हमेशा हर बार ऐसा word में बोलना थोड़ा hard जाएगा। The matrix in which number of rows is not equal to number of columns is called as a rectangular matrix. इतना लंबा बोलने के बजाय we can write it is in terms of compact form. Compact form का काम ही ये है कि बड़े जो बड़े जितने भी बड़े अल्पाद हैं उनको कम करके छोटे इसमें convert करने का। तो हम short में इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a matrix A is equal to Aij, ये इसका compact form matrix था। मतलब क्या कि कोई भी एक matrix A है, उसके अंदर के element Aij के form में है और जिसका order कितना है, m by n है। और अगर से इसमें m is not equal to n है, मतलब m मतलब number of rows और n मतलब क्या, number of columns। अगर इसमें number of rows is not equal to number of columns है, तो ये कौन सी matrix है, rectangular matrix is there। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन ऐसी है, अ मैट्रिक्स इन व्हिच नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और सिंपली ए इज इक्वल टू ए आई जे कॉम्पैक्ट फॉर्म में, जिसका ऑर्डर एम बाई एन है। इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब एम इज नॉट इक्वल टू एन रहेगा। ओके, ये सेकंड थर्ड टाइप। उसके बाद अपन देखे इंपॉर्टेंट, जो कि यहाँ से इंपॉर्टेंट पोर्शन शुरू है इसका, इट इज नथिंग बट स्क्वायर मैट्रिक्स इज देयर। So square matrix is nothing but it is a matrix, same iska ulta, rectangular matrix ka ulta, matrix in which number of rows is equal to number of columns is called as a square matrix. Aisi matrix jisme rows aur column ki sankhya equal hai, then such type of matrix is said to be the square matrix. Isko agar se hum compact form mein likhna hai to kitna likh sakte hain apan ko, a matrix a is equal to aij, ek matrix hai जिसका ऑर्डर m by n है। ये मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बोलेंगे, इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, व्हाट इज द कंडीशन हियर, इफ m इज इक्वल टू n। m इज इक्वल टू n का मतलब है कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इफ दिस हैपन देन सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज सेड टू बी द स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके एग्जांपल अगर से देखेंगे अपन, यहां से इंपॉर्टेंट है स्क्वायर मैट्रिक्स है। हां, ये एग्जांपल है, समझो फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, तो इसका अगर से ऑर्डर हम देखेंगे, इसका ऑर्डर कितना है, देयर आर टू रोज, एक रो एक ऐसी और एक ऐसी, ये दो रोज और कितने कॉलम से, दो कॉलम, एक कॉलम ऐसी और एक कॉलम ऐसी, तो इसका ऑर्डर हो गया 2/2। तो देयर आर टू रोज एंड टू कॉलम्स आर प्रेजेंट, हियर m इज इक्वल टू n, तो ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स हो गया अपना, स्क्वायर मैट्रिक्स। उसी तरीके से और एक अगर से एग्जांपल देखेंगे तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 0 -1 3, लाइक दैट। इसमें कितने रोज है, एज देयर आर थ्री रोज एंड थ्री कॉलम्स आर प्रेजेंट, देन सच मैट्रिक्स इज सेड टू बी द स्क्वायर मैट्रिक्स इज देयर। इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3/3। कितने रोज है, तीन रोज है, कितने कॉलम है, तीन कॉलम है। तो ये ऑर्डर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहला हमेशा नंबर ऑफ रोज डिनोट करेगा और सेकंड हमेशा क्या डिनोट करेगा, नंबर ऑफ कॉलम्स डिनोट करेगा। तो अब स्क्वायर मैट्रिक्स का जो आगे जितने भी टाइप्स आने वाले हैं सब स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप आने वाले हैं, क्योंकि अगर से मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल एलिमेंट निकलेगा। जैसा दिस वन, यहाँ पे अगर से देखेंगे तो ये इसका क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल मतलब ये क्या है, इसकी पोजीशन a11, इसकी पोजीशन a12, इसकी पोजीशन a21 और इसकी पोजीशन a22। तो a11 के प्लेस पे 1 आया और a22 के प्लेस पे 4 आया। तो ये जो एलिमेंट्स है, दीज एलिमेंट्स आर सेड टू बी द डायगोनल एलिमेंट्स। और डायगोनल एलिमेंट्स सिर्फ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में रहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब इस प्रकार से देखो, ये अपना a11, ये अपना a22 और ये अपना a33। तो ये तीनों कंडीशंस, ये तीनों एलिमेंट ने कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया है, a11 a22 a33, बिकॉज़ ऑफ दैट दिस इज सेड टू बी द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अब ये जो एलिमेंट है, यहां पे कंडीशन क्या है, ये कौन से पोजीशन का है, a13 मतलब पहला रो और तीसरा कॉलम,
ये यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्या है ए टी वन तीसरा रो और पहला कॉलम, तो ये एलिमेंट्स को डायगोनल एलिमेंट्स नहीं बोलेंगे। क्यों? तो डायगोनल एलिमेंट्स मतलब सिर्फ कौन से एलिमेंट्स, क्या कंडीशन है। तो नेक्स्ट पीट अपन निकाल लिए थे, यहाँ से स्टार्ट कर दिया अपने, आप यहाँ से देखेंगे अपन आगे। तो नेक्स्ट टाइप में ये डायगोनल एलिमेंट्स जो है ये किसको बोलेंगे पहले वो देखेंगे, फिर उसके बाद में अपन नेक्स्ट टाइप देखेंगे। डायगोनल एलिमेंट्स इसके देखने का है, फिर डायगोनल एलिमेंट समझेंगे तो अगले टाइप में जितने टाइप है वो सब पे डायगोनल और नॉन डायगोनल पे कंडीशन है। ये अगर से समझ में आ गया तो अगले टाइप इसी पे, तो समझ लो डायगोनल एलिमेंट्स मतलब क्या, एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू, पहले ये देख लो ए वन वन ए वन टू ए टू वन और ए टू टू दिस वन, तो ये एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे इसके डायगोनल एलिमेंट्स अगर से टू बाय टू का मैट्रिक्स है। उसी तरीके से कोई मैट्रिक्स थ्री बाय थ्री का है तो इसमें कौन से एलिमेंट्स कहलाएंगे, देखो ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री देन ए थ्री वन ए थ्री टू और ए थ्री थ्री। तो इसमें ये जो एलिमेंट्स है ए वन वन ए टू टू ए थ्री थ्री दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज अ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि डायगोनल एलिमेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में मिलेगा जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है सिर्फ उसी में पॉसिबल है डायगोनल एलिमेंट्स। और ये जो अगर सेट, ये अगर सेट डायगोनल एलिमेंट्स है तो बाकी सब कौन से एलिमेंट्स है, दे आर सेट टू बी द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ये अगर से ये एलिमेंट्स अगर से डायगोनल एलिमेंट्स है तो ये एलिमेंट इसका क्या हो गया नॉन डायगोनल, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट क्या हो गया नॉन डायगोनल, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट क्या हो गया नॉन डायगोनल। तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में बोलेंगे, कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसा बोलेंगे इसको देखो, एक आई मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू ए आई जे जिसका ऑर्डर, अब यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, देखो अपने यहाँ पे क्या लिखे थे, यहाँ पे एम बाय एन ऑर्डर था रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में, अब यहाँ पे हर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा एन बाय एन, क्यों नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अपन डेफिनेशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई डी ऑफ ऑर्डर एन बाय एन इन विच इफ एलिमेंट सेटिस्फाई द कंडीशन, इसमें एलिमेंट पे कंडीशन क्या कि अगर से i इज इक्वल टू j है तो दीज आर कॉल्ड एज डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स, और i नॉट इक्वल टू j है तो दीज आर कॉल्ड एज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ओके दीज आर द डायगोनल एलिमेंट्स, दीज आर द डायगोनल एलिमेंट्स एंड दीज आर द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। देखो ना i इज इक्वल टू j मतलब यहां पे देखो i1 j1 डायगोनल एलिमेंट, I2 J2 डायगोनल एलिमेंट, I1 J1 I2 J2 और ये तो I इक्वल टू J I इक्वल टू J I इक्वल टू J, तो दीज आर कॉल्ड एज अ डायगोनल एलिमेंट्स। और यहां पे I नॉट इक्वल टू J 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 I नॉट इक्वल टू J, तो ये जो है एलिमेंट्स बाकी क्या है नॉन डायगोनल। तो I इक्वल टू J जब भी आगे कंडीशन आएंगी तो दिमाग में होना I इक्वल टू J मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट डायगोनल एलिमेंट्स, और I नॉट इक्वल टू J मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट non-diagonal elements। इधर हो गया था अपना bit। अब इसके बाद अपन अगला type देखेंगे। Next type that you have seen here, ये तो next type है। तो next type is here। It's very simple, non-singular। कहाँ तक आ गया अपन यहाँ पे? स्क्वायर मैट्रिक्स तक आ गए। अब अगला टाइप देखो यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या, नेक्स्ट टाइप इज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। सो सी नाउ व्हाट इज मीन बाय डायगोनल मैट्रिक्स हियर, ओके सो सी नाउ व्हाट इज मीन बाय डायगोनल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले देखो यहाँ डायगोनल मैट्रिक्स इज देयर वेरी सिंपल वन, व्हाट इज मीन बाय डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या कंडीशन है देखो यहां पे डायगोनल मैट्रिक्स में, डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पहले अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स कॉमा इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, इफ इट्स ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड एट लीस्ट वन ऑफ द डायगोनल एलिमेंट इज नॉन जीरो देन दिस मैट्रिक्स इज सेड टू बी द डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब क्या है कंडीशन,
कि अगर से इसमें कंडीशन ये कि ए आई जे इक्वल टू जीरो व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे, मतलब क्या कंडीशन क्या है यहाँ पे, ए आई जे इक्वल टू जीरो व्हेन व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे, तो कंडीशन क्या है देखो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अब यहां से हर मैट्रिक्स में क्या आएगा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स डेफिनेशन यहां से स्टार्ट होंगी। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन बाय एन is said to be diagonal matrix. What is the condition? If Aij, if Aij is equal to zero when I not equal to j. मतलब कैसा देखो यहाँ पे समझ लो definition. अगर से क्या matrix है Aij, order बोलो इसका n by n, मतलब कौन सा matrix है, square matrix, number of rows is equal to number of columns. तो ये square matrix में Aij ये एलिमेंट जीरो है कब, I not equal to j के लिए, तो such matrix is said to be the diagonal matrix. या फिर वर्ड में देखो डेफिनेशन पहले, a square matrix is said to be diagonal matrix, comma if all the non-diagonal elements of that matrix is zero. तो बात हो गई, all non-diagonal मतलब we are talking about I not equal to j and at least one of the diagonal element is non-zero. मतलब ऐसा matrix जिसमें पूरे के पूरे non-diagonal elements ये zero होना चाहिए और diagonal में से कम at least का मतलब कम से कम एक element क्या होना चाहिए non-zero. इसके example देखो, जैसे कि for example एक matrix ले लिया हमने, a is equal to 2 0 0 0 3 0 0 0 minus 1. तो यहाँ पे देखो ये क्या है तुम्हारा पोजीशन, I not equal to J, क्योंकि ये पोजीशन क्या रहता A12, ये क्या रहता A13, ये क्या रहता A21, ये क्या रहता A23, ये क्या रहता A31, ये क्या A32, मतलब पूरे लिमिट क्या है I not equal to J, मतलब ये क्या है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है जीरो है और डायगोनल में से कम एक एलिमेंट जैसा है नॉन जीरो, कम से कम एक मतलब कैसा, ऐसा किसने ले लिया, ये भी जीरो ले लिया और ये भी जीरो ले लिया, तब भी ये क्या है डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि कंडीशन क्या है डायगोनल में से कम एक एलिमेंट कैसा होना चाहिए नॉन जीरो, कम से कम एक, तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे डायगोनल में से टू कैसा है नॉन जीरो है और बाकी सब क्या है जीरो है, तो दिस मैट्रिक्स इज सेड टू बी द डायगोनल मैट्रिक्स, इसलिए तो डेफिनेशन इज वेरी क्लियर, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स comma if all its non diagonal elements matlab I not equal to j are zero and at least one of the diagonal element is non zero, non diagonal elements pure ke pure zero hona chahiye aur diagonal mein se kam ek element kya hona chahiye non zero, so such matrix is said to be the diagonal matrix. Yeah, next slide. Chalo ab next slide mein liye remark or note aisa hai ki agar तो the diagonal elements of a diagonal matrix D of order 3 are, तो diagonal elements समझो ये हैं, इसे diagonal elements पूरे non-diagonal elements zero हैं, देखो for example ये ऐसे ही हैं समझो, इसको हम ये कर देंगे यहाँ पे बता रहा, note क्या है कि कभी कभी question में ऐसा भी आता तो उस time पे solve करना चाहिए कि matrix कौन सी है, तो diagonal matrix को ही अपन ऐसा लिख सकते हैं, देखो this one you can write here diagonal matrix as a, jaise ki for example ek matrix hai a is equal to a11 then 0 then 0 then 0 then a22 then 0 then 0 then 0 and then a33, abhi matrix hai ye kaun sa matrix hai, bolo diagonal matrix, because all the non diagonal elements are zero and at least one of the diagonal element is non zero, कम से कम एक नॉन जीरो होना, यहाँ सबके सब नॉन जीरो है तो बहुत ही अच्छा है फाइन, तो इसको कैसे कहेंगे, इसको अगर से डायगोनल मैट्रिक्स लेके कहते हैं डी इज इक्वल टू, कभी कभी मैट्रिक्स ऐसी भी आई थी a11 a22 a33, तो इसका ये मैट्रिक्स का मतलब ही चाहिए कि इसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स a11 a22 और a33 है डायगोनल एलिमेंट्स और बाकी के एलिमेंट्स बाकी के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है जीरो है, तो इसी का मतलब ये है सेम, ओके so this is nothing but समझो मैंने कभी ऐसा पूछा तुम्हारे को ये ऐसा ही लिया 2 3 और -4
तो इसमें से मैट्रिक्स कंसिडर करेंगे, कैसे करेंगे? मेरे से मैट्रिक्स A इज इक्वल टू कैसा, 2 0 0 0 3 0, देन 0 0 -4 इज देयर। इसका मतलब ऐसा होता है कि अगर से कभी D इज इक्वल टू 2 3 -4 दे दिया तो समझ में आ जाना चाहिए कि डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 0 है, और ये कंसिडर क्या है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स है, दीस आर द डायगोनल एलिमेंट्स इन दैट। ये एक मेथड है मैट्रिक्स लिखने का, डायगोनल मैट्रिक्स था ऐसा अगर से आगे तो समझ में आना चाहिए कि डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके नॉन एलिमेंट्स क्या है, 0। तो ये नोट था। अगला टाइप देखेंगे आप, नेक्स्ट टाइप इज वेरी क्लियर। सो नेक्स्ट टाइप इज आवर इज ऑफ 1 मिनट। सो आवर नेक्स्ट टाइप इज नथिंग बट इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स, वेरी सिंपल वन, स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप इज अ स्केलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन, स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij इज द सेट टू बी स्केलर इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 एंड द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। देयर इज मतलब कैसा कंडीशन, इसके फॉर्म में करें तो क्या, दैट इज Aij इज इक्वल टू 0 फॉर, जब इसको अच्छे फॉर्म लिखेंगे अपन, समझो कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखेगा तो कैसा, कि कोई भी एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू Aij इसका ऑर्डर क्या है, n बाय n। अभी बताया मैंने ऑर्डर n बाय n का मतलब क्या, अपनी मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू कितना है, नंबर ऑफ कॉलम। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij ऑफ ऑर्डर n बाय n, इन विच कंडीशन क्या, इसके एलिमेंट्स, ये मैट्रिक्स के एलिमेंट 0 है, I not equal to J के लिए, मतलब इसका मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0, और इसके एलिमेंट्स क्या है, K, और I is equal to J, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स के लिए सब एलिमेंट क्या है, K, K is the one constant, कुछ भी रह सकता है K के जगह पे, K के जगह पे 2, 2, 2, माइनस 11, माइनस 11, whatever may be, तो एक नंबर रहेगा दिस वन के। तो इट इज सेट टू बी द स्केलर मैट्रिक्स। देखो कॉम्पैक्ट फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है, वर्ड में तो अपन आराम से बोलेंगे कि आईसी मैट्रिक्स जिसके स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी द स्केलर मैट्रिक्स, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी द स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। तो सादे भाषा में अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसा, कि कोई भी मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij को हम स्केलर मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब इसके एलिमेंट्स अंदर के जो एलिमेंट्स है 0 रहेंगे, किसके लिए, I not equal to J के लिए, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए, और I equal to J के लिए क्या रहेगा, K, मतलब सबके एलिमेंट क्या रहेंगे सेम। एग्जांपल देना, फॉर एग्जांपल ऐसे मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है A is equal to 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो क्या समझना है, ये मैट्रिक्स का I not equal to J, मतलब ये इसका नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ये क्या है, इसके 0, और इट इज इक्वल टू K, K मतलब एक कांस्टेंट, इसमें सब में एक कांस्टेंट कौन सा कॉमन है, ये 2, इट कंटेनिंग 2, A112, A222 और A33 इज अ 2 इज देयर। I is equal to J मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट डायगोनल एलिमेंट्स, ये बात एकदम क्लियर हो ना, I not equal to J means we are talking about non diagonal elements, और I is equal to J means we are talking about diagonal elements, तो I is equal to J के लिए सब एलिमेंट सेम रहेगा, तो वो मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे अपन, स्केलर मैट्रिक्स। देखो और एक एग्जांपल मेरे लिए समझो, B is equal to 1 मैट्रिक्स, अगेन दिस टाइप -11 0 0 0 -11 0 0 0 -11 is there, ये भी स्केलर मैट्रिक्स है, क्यों, तो सब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हैं, 0 है, और सब डायगोनल एलिमेंट्स आर द सेम वन, सबका डायगोनल कितना है, -11 -11 -11, तो I इज इक्वल टू J के लिए सब डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0। तो ये मैट्रिक्स को हम दूसरा मैट्रिक्स बोलेंगे, दिस मैट्रिक्स इज सेड टू बी द स्केलर मैट्रिक्स। अब दोनों में ये बात है कि स्केलर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, तो नोट आई सी यहाँ पे कि स्केलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ
diagonal matrix. But a diagonal matrix is not necessarily a scalar matrix. हिंदी में ऐसा उसका कन्वर्जन कि कोई भी स्केलर मैट्रिक्स ये हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स रहेगी, लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स ये ऐसा जरूरी नहीं कि वो स्केलर मैट्रिक्स है, है ना। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि तो डायगोनल में अपने कंडीशन क्या बोला कि अगर से कम एक एलिमेंट डायगोनल का नॉन जीरो है तभी वो कौन सी मैट्रिक्स है, डायगोनल में। और इसके अलावा कंडीशन क्या है कि सबके सब डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना सेम, तभी वो क्या रहेंगी स्केलर मैट्रिक्स। इसमें से एक भी जीरो हो गया या फिर एक भी डिफरेंट आ गया, ये 12 आ गया, तो इट इज नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स। सो कंडीशन ये है कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट नेसेसरली अ स्केलर मैट्रिक्स। ये कंडीशन है। अब हम आगे जाएंगे नेक्स्ट टाइप के तरफ, स्केलर मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट टाइप है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इज आल्सो कॉल्ड एज अ यूनिट मैट्रिक्स। सो लिसन केयरफुली, नेक्स्ट टाइप ऑफ द मैट्रिक्स इज अ आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। जैसा कि नाम है, नाम पे उसका सब डिपेंड है। आइडेंटिटी यानी यूनिट मींस वन, आइडेंटिकल और आइडेंटिकल भी मतलब वही होता है, आइडेंटिटी और यूनिट बोथ हैव द सेम वन। तो यहाँ पर आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले सिंपल लैंग्वेज में, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी एन आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स कॉमा इफ ऑल इट्स डायगोनल सॉरी इफ ऑल इट्स non-diagonal elements are zero, तो सब में अपने पहले non-diagonal बोले वाला है, इसे पहले non-diagonal के बारे में बोलेंगे, comma if all its non-diagonal elements are zero and the diagonal elements are one and the diagonal elements are one। अब इसको हम compact form में कैसा बोलेंगे कि कोई भी एक matrix ऐसा हो जाते हैं, अभी कोई एक मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ए आई जे जिसका ऑर्डर n बाय n है, ये मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। कब? तो उसमें कंडीशन है इफ ए आई जे इज इक्वल टू जीरो और i नॉट इक्वल टू j, मतलब ये मैट्रिक्स में एलिमेंट i नॉट इक्वल टू j मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ये मैट्रिक्स से क्या है जीरो है, और इसके I is equal to J अगर से है तो पूरे के पूरे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है वन। तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे हम आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। दोनों में फर्क क्या है मालूम है? दोनों में डिफरेंस ये है कि स्केलर मैट्रिक्स में सिर्फ सेम होना चाहिए, स्केलर मैट्रिक्स में सिर्फ क्या होना चाहिए ये सब सेम रहना चाहिए कोई भी एक नंबर, मगर आइडेंटिटी में क्या है कि यहाँ पे कंपल्सरी क्या होना वन ही होना, उसके प्लेस पे दूसरा नंबर नहीं चलेगा। तो कैसा, फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 0 0 1, तो ये मैट्रिक्स होगा 2 by 2 का, और एक मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज देयर, और इसका ऑर्डर हो गया 3 by 3 का। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 2 by 2, कितना होगा 3 by 3। कंडीशन बराबर है कि नहीं? देखो ये मैट्रिक्स में ए आई जे जीरो है, आई नॉट इक्वल टू जीरो वाले, ये आई नॉट इक्वल, इसकी पोजीशन हमेशा फिक्स है, नहीं है ये वन है, मगर ये कहां पर है ए वन वन, इसकी पोजीशन कहां पर है, ये मैट्रिक्स में कहां प्रेजेंट है पहले रो में और पहले कॉलम में, तो ये ए वन 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 है, ये क्या है आपका ए वन टू, ए वन टू इक्वल टू जीरो, एलिमेंट क्या है अपने पास ए वन टू, क्यों तो ये जीरो कहां प्रेजेंट है मैट्रिक्स में, रो पहली है मगर कॉलम कौन सी है दूसरी है, तो ए वन टू इज इक्वल टू जीरो मतलब आई नॉट इक्वल टू जे, ये जीरो है, आई नॉट इक्वल टू जे वाला एलिमेंट क्या है जीरो है, ये क्या है दूसरी रो पहला कॉलम, ए टू वन भी कितना है इसमें जीरो है, और यहाँ पे ए टू टू आई इज इक्वल टू जे मतलब ये कितना है वन, तो दिस वन, सो दिस मैट्रिक्स इज सेड टू बी द, सो नाउ So now, this matrix is said to be the identity or unit matrix.
वेरी क्लियर ये इस मैट्रिक्स से सेट टू बी द आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स. अब इसमें इंपॉर्टेंट ये कि ये जो है मैट्रिक्स आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स ये जो 2 बाय 2 का है तो इसमें स्पेशल डिनोटेशन है. इसको हम एक ही जगह इसको हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं कि ये I2 इट इज फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स 2 बाय 2 का था इसलिए I2 इससे कभी I2 आ गया से आगे समझ में आना चाहिए कि ये I2 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 मतलब मैट्रिक्स कौन से टाइप का है 1001 का. उसी तरीके से ये इसमें कितने रो पे 3x3 का मैट्रिक्स है इसको हम एक ही जगह में I3 भी लिख सकते हैं. इसको हम क्या लिख सकते हैं I3 भी लिख सकते हैं. इसका यूज कहाँ है मालूम है क्या कि जब अगर से कभी इक्वेशन में ऐसा आ गया समझो फॉर एग्जांपल इसका यूज यहाँ पर है कि समझो कभी कभी ऐसा आता है यहाँ पर इक्वेशन दिया रहता है तो बस ए प्लस बी प्लस आई इज इक्वल टू जीरो तो उसमें ए मैट्रिक्स दिया वाली रहती बी मैट्रिक्स दिया वाली रहती मगर आई के बारे में समझता नहीं तो आई इज नथिंग बट इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स. जब आई देगा तो बाजू ने मेंशन करेगा वेर आई इज अ वेर आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स शॉर्ट में लिख रहा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. तो अपने समझ में आना चाहिए कि ये आई क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कौन से ऑर्डर की 3x3 मतलब ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1. तो यहां से हम एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं देखो ये मैट्रिक्स देखने के बाद हम क्या बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स एक तो डायगोनल मैट्रिक्स है बराबर है क्यों ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड एटलीस्ट वन ऑफ द डायगोनल एलिमेंट इज नॉन जीरो. ये मैट्रिक्स एक तो डायगोनल है दूसरा ये स्केलर मैट्रिक्स है बराबर है स्केलर भी है क्यों नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है जीरो है और डायगोनल एलिमेंट्स सब क्या है सेम है 1 1 क्यों है मगर सब सेम ही है ना. ये क्या बोलता खाली कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना सेम होना कि 1 रहने दो 11 रहने दो 2 रहने दो मगर कंडीशन क्या सब एलिमेंट क्या रहना सेम तो ये स्केलर भी है. और तीसरा मतलब ये खुद का आइडेंटिटी या फिर कौन सी मैट्रिक्स है यूनिट मैट्रिक्स है. तो ये जो मैट्रिक्स है इट इज एन एग्जांपल ऑफ 3 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ये डायगोनल भी है ये स्केलर भी है और ये आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स भी है तीनों का सम. ओके सो इट इज द कंडीशन हियर वेरी क्लियर समझ में आ गया. तो दीज आर अबाउट द टाइप्स. यहां तक कोई तकलीफ नो ये दोनों में कुछ रिलेशन बोल सकते हैं अपन एक नोट बोल सकते हैं यहाँ पे कि उसी प्रकार से जैसा पहले बोला था कि स्केलर मैट्रिक्स इज ये भी इधर आ जाओ यूनिट मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्केलर मैट्रिक्स. यूनिट मैट्रिक्स ये हमेशा स्केलर मैट्रिक्स रहेंगी बट स्केलर मैट्रिक्स नीड नॉट टू बी ए यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. इसका हिंदी में कन्वर्जन ऐसा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये हमेशा स्केलर मैट्रिक्स रहेंगी मगर हर स्केलर मैट्रिक्स ये आइडेंटिटी रहेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है. जैसे यहाँ पे -11 -11 -11 है तो ये आइडेंटिटी कहाँ हुआ ये सिर्फ क्या है स्केलर है. और इसको अगर से देखेंगे तो ये आइडेंटिटी भी है और स्केलर दोनों भी है. ये दोनों में डिफरेंस है इट इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस वन. नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज नथिंग बट आवर नेक्स्ट टाइप. वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट टाइप. So next type is again very clear. Next type is nothing but it is your favorite matrix is the zero matrix. Zero or it is also called as the null matrix. Zero matrix or null matrix. So इसमें कुछ ऐसे बताने की जरूरत नहीं है. इसमें definition क्या है? If every element of matrix is zero, then such type of matrix is said to be जीरो मैट्रिक्स है ना. अब इसमें इंपॉर्टेंट ये कि जीरो मैट्रिक्स में रेक्टेंगुलर भी आएगा और स्क्वायर दोनों भी आएगा. वो दोनों भी मैट्रिक्स रह सकती है स्क्वायर मैट्रिक्स भी रह सकती है या फिर रेक्टेंगुलर व्हाटएवर मे बी. सो खाली कंडीशन क्या है ऐसी मैट्रिक्स जिसके हर एलिमेंट क्या रहेंगे जीरो रहेंगे तो वो मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे अपन जीरो मैट्रिक्स. तो वो मैट्रिक्स अपनी रेक्टेंगुलर भी रह सकती या फिर स्क्वायर भी रह सकती दोनों में से एक कोई भी रहेगा. तो कैसा फॉर एग्जाम्पल इसे डायरेक्ट लेंगे ये मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0
this one. Or an axiomatic example, 0, 0, 0, 0, 0, this one. So this matrix is nothing but in which all the non-diagonal of one which. So what is the condition here? Here we can say that here, what is the condition here? This matrix is nothing but, what is the order here? Two rows and three columns, 2 by 3. So this is nothing but, it is your rectangular matrix. It is also a zero matrix. Again, what is the order here? Three rows and three columns are present. So it is a square matrix. So square matrix can also be a zero matrix. So zero matrix ke liye aisa koi important nahi hai ki wo square matrix hi ho na, wo square bhi reh sakti ya fir rectangular bhi reh sakti. इसके लिए स्पेशल डिनोटेशन है, जीरो मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय जीरो, जीरो मैट्रिक्स डिनोटेड बाय जीरो. इसका यूज क्या है कि समझो कभी हमें ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो ऐसा दे दिया, तो यहाँ पे ये जो जीरो है इक्वेशन में, ये जीरो जीरो नहीं है, ये जीरो क्या है? जीरो मैट्रिक्स है. और जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर कौन डिसाइड करेगा? ये दो मैट्रिक्स. समझो ए का ऑर्डर है 2 by 2, 1 2 3 4, बी का ऑर्डर है -2 3 4. तो उस टाइम पे हम बोलेंगे कि ये जो जीरो है, ये जीरो भी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, ये दोनों भी डिपेंड है, इसका भी ऑर्डर 2 by 2, मतलब ये भी क्या है? मैट्रिक्स. तो इसका यूज यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन में अगर से इक्वल टू जीरो आएगा तो जीरो, ये जीरो नंबर नहीं है, जीरो भी क्या है? मैट्रिक्स है. और जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर किस पे डिपेंड रहेगा? दिए हुए इक्वेशन में जो ए और बी का, मतलब जो दिए हुए मैट्रिक्स का ऑर्डर है उस पर डिपेंड रहेगा. जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 by 3 है तो जीरो भी कौन सा ऑर्डर लेगा? 3 by 3. इसका ऑर्डर अगर से 2 by 3 है तो जीरो भी क्या लेगा? 2 by 3. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन. जीरो को हल्के में मत लो. जीरो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स. जीरो और इट सम टाइम कॉल्ड इज अ नल मैट्रिक्स. सो इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी मैट्रिक्स इज जीरो, सच मैट्रिक्स इज सेड टू बी द जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स. वेरी सिंपल वन. सो वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट टाइप. अगले टाइप की तरफ जाएंगे. तो अगला टाइप है इसका, नेक्स्ट टाइप इज नथिंग बट ट्रायंगुलर मैट्रिसेस. उसमें अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर ऐसे दो मैट्रिक्स है. तो देखो ट्रायंगुलर मैट्रिसेस उसमें पहला है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड सेकंड वन इज द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अगर से अपर समझ में आ गया तो लोअर आएगा, है ना? अपर का अपोजिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. तो सबसे पहले हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखेंगे. डेफिनेशन स्टार्ट हियर. अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जी इज कॉल्ड एज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स below the diagonal elements are zero, then it is said to be an upper triangular matrix. देखो उल्टा है, कह रहे को ये अपर ट्रायंगुलर है, अपर है मगर एलिमेंट क्या? डायगोनल के नीचे के एलिमेंट अगर से जीरो है तो इट इज सेड टू बी द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. मैंने कंडीशन बताया था यहाँ पर, है ना, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में. A1 3 A21 A22 A23, एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट. क्योंकि ये ऑर्डर जो है ना, ये क्या है इसका ऑर्डर? देखो 2 1, ये 3 1, ऐसा बोलेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जी ऑफ ऑर्डर एन बाई एन